नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह एक ताजा मामला रीवा से भी सामने आया। शहर के चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी में गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान संचालित होती है, जहाँ पर आज दिन दहाड़े एक ग्राहक गया और कान की बाली खरीदी। पैसे ऑनलाइन करने के नाम पर उसका स्कैनर न लेकर उसके नंबर पर ट्रांसफर किया और पैसा अभी तक दुकान संचालक के अकाउंट पर नहीं पहुंचा। उसके बाद दुकान संचालक ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं दुकान संचालक ने बताया कि उक्त युवक के द्वारा ऐसी ही एक और घटना को अंजाम दिया जा चुका है। गीतांजलि ज्वेलर्स, क्या घटना? क्या घटना ये है कि हम सुबह जैसे दुकान खोले 11 बजे के लगभग, तो सफाई उफाई करने के बाद ग्राहक आया। ग्राहक आने के बाद वो मांगा हमसे कान की वाली, जेंस वाली, और जेंस वाली में निकाल के उसको दिया। तौल और जो तौल और के दिखाया उसको, बोला ठीक है आप तौल दीजिए। इसके बाद जब उसको दे दिया तो वो पेमेंट करने के लिए मतलब बोला, हम बोले कैश पेमेंट देंगे क्या ऑनलाइन, तो बोला ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोले कि स्कैनर में है, तो बोला स्कैनर काम नहीं कर रहा है, आप अपना नंबर बता दीजिए। तो हम नंबर बताए, तो नंबर से स्कैन करके मुझे ट्रांजेक्शन दिखाया। जो ट्रांजेक्शन दिखाया वो ट्रांजेक्शन आया नहीं मेरे पास। कितने का ट्रांजेक्शन? 11,690 रुपये का। फर्जी ट्रांजेक्शन? हाँ, फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया है। क्या क्या सामान ले गया? कान की वाली है, जेंस। कितने का रखा? लगभग था 11,690 रुपये का। कितने बजे की घटना? ये लगभग 12 बजे की घटना है। अभी थाने गए थे आप? हाँ जी, थाने गए थे, चौराहटा थाना गया था, वहाँ अप्लीकेशन बना के दिया। आरोपी को आप पहचानते हैं? आरोपी को पहचानते नहीं, वो कस्टमर है, पहली बार आया है दुकान से। इसके पहले भी वो डेकाहा में कहीं किया? हाँ, इसके पहले शिवम ज्वेलर्स डेकाहा में वो कर चुका है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी? हाँ, पूरी सीसीटीवी कैमरे में है हमारे। पूरी घटना? हाँ, पूरी घटना। हम लोग फोटो भी प्रिंट आउट भी करवा रहे हैं।